हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो टैली प्राइम के डे फोर में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर बाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि बाउचर होता क्या है। बाउचर जो होता है, जब आप आइटम को परचेज करते हैं तो आपको एक रसीद प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा आइटम कितनी मात्रा में क्या परचेज किया गया, किससे परचेज किया आपने, कब परचेज किया, क्या डेट था और बाउचर नंबर क्या था। तो बाउचर मतलब एक रसीद। जब आप आइटम को परचेज करते हैं तो आपको सप्लायर के द्वारा वो रसीद दिया जाता है। तो वो हम अपने कंप्यूटर में कैसे उसकी एंट्री करेंगे, अपने टैली प्राइम के अंदर उसको कैसे एंट्री करेंगे, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आइटम बना होना चाहिए, लेजर बने होना चाहिए। इसके पहले के जो भी क्लास दिए गए हैं उस सभी क्लास में लेजर बनाना, आइटम बनाना, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, आज आपका ये पहला वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके आप डे वन, डे टू, डे थ्री का वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको बाउचर एंट्री करना समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या इसको आप डायरेक्ट देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। बाउचर एंट्री सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है आइटम बना होना और लेजर बना होना। तो आपको हम कंटिन्यू क्लास में पढ़ा रहे हैं ये चीज, तो हमारे कंपनी में पहले से ही लेजर और आइटम बने हुए हैं। आज हम सीखने वाले हैं बाउचर कैसे एंट्री करते हैं। चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कंपनी यहाँ पे ओपन है और बाउचर की एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा बाउचर्स। यहाँ पे आके हम लोग एंटर करेंगे। जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको किनारे की साइड में एक परचेज दिखा हुआ आ रहा है। ये जो परचेज होता है ये बता रहा है कि ये जो बाउचर ओपन हुआ है ये परचेज का बाउचर ओपन हुआ है। बाउचर कई सारे होते हैं, जितने बाउचर आप एंट्री कर पाएंगे उतने ही अच्छे से आपका स्टॉक जो होगा वो मेंटेन होगा। जैसे अगर आपको परचेज करने आता है, सेल करने आता है, ऑर्डर देने आता है, ऑर्डर लेने आता है, डिलीवरी करने आता है, रिसिप्ट करने आता है, परचेज किया गया माल वापस करने आता है, सेल किया गया माल वापस लेने आता है, तो आपका स्टॉक जो होगा वो एकदम करेक्ट मेंटेन होगा। अगर आप एंट्री नहीं सही करेंगे, अगर आप बाउचर की एंट्री सही नहीं करेंगे तो फिर आपका स्टॉक भी सही से मेंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं आज हम लोग परचेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे परचेज बाउचर की एंट्री कैसे होती है। तो परचेज करने के लिए जो शॉर्टकट होता है बाउचर का वो होता है F9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा परचेज ओपन ही है। अगर कोई और ओपन है, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, तो हम लोग यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे जिससे हमारा परचेज का बाउचर ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने जो दिख रहा है ये है परचेज का बाउचर, लेकिन यहाँ पे जो बाउचर आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जो हम एंट्री करने वाले हैं उसका फॉर्मेट अलग है और जो यहाँ से हो रहा है उसका फॉर्मेट अलग है। तो पहले समझते हैं ये फॉर्मेट कितने प्रकार के होते हैं और किसका प्रयोग किस प्रकार के काम में किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ राइट साइड में आपको एक ऑप्शन से हो रहा होगा चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट जो है वह है Ctrl+H। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर तीन मोड दिखाई देंगे, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज बाउचर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो बाउचर है वो सिलेक्ट है एज बाउचर। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं वो एज बाउचर में देख पा रहे हैं। एज बाउचर क्या होता है? एज बाउचर ये होता है कि जब हमें कल इतना बताना हो कि हमने किस पार्टी से कितने का परचेज किया है, कौन सा अकाउंट DR है, कौन सा अकाउंट CR है, तो उसके लिए हम लोग इस मोड में एंट्री करते हैं जिसका नाम है एज बाउचर। तो एज बाउचर का प्रयोग किया जाता है केवल डेबिट और क्रेडिट के रूप में एंट्री करने के लिए। इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस में क्या होता है, किस पार्टी से किस प्रकार की सेवा हम लोग परचेज कर रहे हैं, क्या रेट है उसका, अगर ऐसी एंट्री करनी हो तो हम लोग अकाउंटिंग इनवाइस में करते हैं। जबकि आइटम इनवाइस में ही हमको एंट्री करना है। ये होता है कि हम लोग कौन सा आइटम किस रेट में कितनी मात्रा में परचेज कर रहे हैं उसका डिटेल आइटम इनवाइस में दिया जाता है। तो हम लोग मोड में आएंगे और यहाँ से आइटम इनवाइस को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो हमें वो मोड दिखाई देगा जिसमें हम लोग एंट्री करने वाले हैं। आपको एक ऑप्शन से हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 1 नवंबर 2024 फ्राइडे। ये वो डेट है जिस दिन आप बाउचर की एंट्री कर रहे हैं और एक डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये डेट वो है जिस दिन आप बाउचर की एंट्री कर रहे हैं और ये वो डेट है जिस डेट में वो बाउचर बनाया गया है। जैसे अगर हम किसी पार्टी से माल
परचेज करते हैं तो वो परचेज का बिल एक दिन पहले का बना होगा या कुछ घंटे पहले का बना होगा, और जब हम उसकी एंट्री करेंगे अपने यहाँ तो शायद एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद उसकी एंट्री करेंगे। तो ये वो डेट है जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं, और ये वो डेट है जिस दिन में वो बिल बना हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे माल परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देना होगा डिटेल सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है? जो आपने बिल परचेज किया है, जो आपने गुड्स परचेज किया है उसका बिल नंबर। सपोज दैट बिल नंबर जो है वो है सेल PE01, ये कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो आप माल परचेज करके लाए हैं उसने किस प्रकार से वाउचर की नंबरिंग को सेट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल PE01 डेट, किस डेट में ये वाउचर जो है वो एंट्री हुआ है, यानी सप्लायर ने किस डेट में बिल बना के आपको दिया है। हो सकता है कि जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो उस दिन का बिल हो, या हो सकता है कि जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं उसके पहले का बिल हो, यानी ये डेट है जो है वो आज का डेट हो सकता है या आज के पहले का डेट हो सकता है। ये डेट आज के बाद का डेट नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 211 करके एंटर करूं तो देखिए ये आगे नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आप एक तारीख को आप परचेज कर रहे हैं और सप्लायर का बिल नंबर दो तारीख का नहीं होता है, सप्लायर का बिल नंबर हो सकता है उसी दिन का या उसके पहले का। तो जिस दिन हम परचेज कर रहे हैं मानते हैं कि हमने उस दिन ही उसको एंटर किया, तो हमारा परचेज का डेट भी 1 नवंबर रहेगा और जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहेगा वो भी 1 नवंबर का रहेगा, क्योंकि हमने 1 नवंबर को परचेज किया और 1 नवंबर को ही हम लोग एंट्री कर रहे हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है पार्टी अकाउंट नेम। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स का ऑप्शन आता है, जिसमें अलग अलग लेजर यहाँ पे शो होते हैं। तो जो हमारा सप्लायर है उसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है अमित सप्लायर, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, अलग अलग कई सारे ऑप्शन होंगे। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से जानेंगे। अभी इसको कंट्रोल प्लस ए के द्वारा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पार्टी डिटेल, यानी जिससे आप माल खरीद रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो हमने लेजर बनाया होगा उसके अनुसार ये डिटेल अपने आप ही आएगा। इसको भी एंटर एंटर करते हुए या कंट्रोल ए करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा परचेज लेजर, तो यहाँ पे हम लोग परचेज को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये जो परचेज आ रहा है, ये जो हमने पहले ही बना रखा है लेजर, उसके अनुसार आ रहा है। अगर आपने लेजर नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा क्रिएट, इस पर जा करके और आप परचेज का लेजर बना सकते हैं जो कि हमने पहले बना रखा है। तो हम उसको सेलेक्ट करके और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे आने के बाद आपको स्पेस की प्रेस करना है। स्पेस करने पर हमारे आइटम का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें हमें जो आइटम परचेज करना है उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। फिर आपके सामने ऑप्शन होगा क्वांटिटी, यानी वो आइटम जो है वो कितनी मात्रा में हम परचेज किए हुए हैं। तो आपके बिल पे लिखा होगा, आप हमें देख सकते हैं। सपोज दैट हमने 120 पैकेट खरीदा है, तो 120 लिख के एंटर मारने पर आपके सामने पैकेट खुद आ जाएगा और उसका रेट भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम आइटम परचेज कर रहे थे तो हमने रेट वहां पे दिया था। अगर जो रेट दिया था हमने वहां पे परचेज करते वक्त और जो रेट यहाँ पर अभी हमारे बिल में लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई अंतर है तो आप यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइटम क्रिएट का समय आपने जो रेट दिया है वही रेट यहाँ भी देना मैंडेटरी है। अगर उस रेट में और इस रेट में कोई भी अंतर है तो आप इस रेट को यहाँ पर ओवरराइट कर सकते हैं। अभी हमारा रेट वही रहेगा, तो हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पहले आइटम के नीचे आएंगे फिर स्पेस करेंगे और दूसरे आइटम को सेलेक्ट एंटर करेंगे, फिर दूसरा आइटम कितनी क्वांटिटी में हमने खरीदा उसको लिख के एंटर करेंगे, उसका भी रेट अपने आप आएगा एंटर एंटर करते हुए। अगले आइटम पर स्पेस करेंगे, अगला आइटम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, वो कितना पीस हम खरीद रहे हैं या कितना पैकेट खरीद रहे हैं उसको दे करके, ऐसे ही हम सभी आइटम को बारी बारी से परचेज कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि सारा आइटम ही परचेज किया जाए, क्योंकि ये कंपनी हमारी अभी नई नई है और इसमें कोई भी आइटम बना हुआ नहीं था। हमने इसमें आइटम बनाया, कोई वाउचर पहले से एंट्री नहीं था, इसलिए हम नए वाउचर की एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हम सभी आइटम को एक बार ही परचेज कर लेते हैं। सारा आइटम लेने के बाद एंटर करेंगे, नीचे दिखाएगा टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, फिर एक बार एंटर करेंगे, नरेशन आता है। नरेशन मतलब होता है टिप्पणी। अगर उस वाउचर में आपको कोई नरेशन लिखना हो, टिप्पणी करनी हो,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे हमें कोई नरेशन नहीं देना है, तो आगे बढ़ते हैं। नरेशन जो होता है वो सेल में दिया जाता है मोस्टली, लेकिन अभी हम यहाँ पे रह जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक बार और एंटर मारेंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के साथ यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है वो नंबर टू हो गया है, यानी कि नंबर वन का जो वाउचर है वो एक्सेप्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम परचेज करते हैं आइटम को। अगर अभी आइटम सेल करना हो तो उसके लिए हम लोग सेल के वाउचर को ओपन करेंगे। सेल के वाउचर को ओपन करने का शॉर्टकट जो होता है वो होता है F8। जब F8 प्रेस करेंगे तो देखिए सेल का वाउचर यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर हमें बताना है कि किस पार्टी को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है उसका लेजर अभी बना नहीं है, तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट बिना बैक किए कैसे लेजर को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ क्रिएट पे आके एंटर कर सकते हैं, दूसरा Alt+C। Alt+C एक शॉर्टकट है जिसके द्वारा हम सेकेंडरी क्रिएशन कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आइटम हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो ग्रुप हो, यूनिट हो, कुछ भी। किसी भी ऑप्शन में अगर आप जा करके Alt+C करते हैं तो उस ऑप्शन का सेकेंडरी क्रिएशन ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट है तो हम लोग क्रिएट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर लेजर क्रिएशन सेकेंडरी, जो Alt+C करते हैं वही ऑप्शन ये भी है। अब यहाँ पे हम लोग कस्टमर का नाम देंगे, तो जैसे सर हमारा कस्टमर जो है वो है अगर विनय कस्टमर, इसको लिख कर एंटर करेंगे। आपको पता होगा कि सप्लायर जो होते हैं वो आते हैं सन्ड्री क्रिएटर में और जो कस्टमर होते हैं वो आते हैं सन्ड्री डेप्टर्स में। तो यहाँ पे हम लोग सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर यहां से एंटर मारते हुए ये एड्रेस पूछ रहा है, अगर मुझे कस्टमर का एड्रेस देना है तो हम एड्रेस देंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका स्टेट है, उसका कंट्री है, उसका पिन कोड है, बैंक डिटेल, कस्टमर का अगर बैंक डिटेल देना है तो प्रेस करेंगे, कस्टमर का पैन नंबर देना है तो यहाँ देंगे। उसके बाद एंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे स्पेस डिटेल यहाँ पे आएगा, इसको एंटर करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पेस डिटेल क्या होता है उसके बारे में आगे जानेंगे। फिर पार्टी डिटेल आएगा, इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा कस्टमर जो है उसका नेम ऊपर आ चुका है और यहाँ पे हम लोग सेल लेजर में सेल को सेलेक्ट एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा आइटम बेचना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आइटम है उसके आगे एक मात्रा लिख के आ रही है, एक क्वांटिटी लिख के आ रहा है कि ये वाला आइटम जो है 120 पैकेट हमारे पास है। तो जितना भी आइटम आपके लिस्ट में शो हो रहा है उससे कमी आइटम को हम लोग सेल करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 120 पैकेट शो हो रहा है, अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हैं और आप एंट्री गलत करते हैं तो आपका स्टॉक जो है वो माइनस में भी जा सकता है और ग्लो भी सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि हम जो सेल कर रहे हैं वो कितना सेल कर रहे हैं, हमने ऑर्डर ले लिया या आइटम को हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास वो स्टॉक में कितना है। स्टॉक में कैसे देखते हैं अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हम चेक करेंगे कि स्टॉक में हमारे पास कितना आइटम है ये अभी हम चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख रहे हैं 120 है, सेलेक्ट करेंगे और सपोज डेट कि हम इसमें से 50 पैकेट सेल कर रहे हैं तो 50 लिख करके एंटर करेंगे। इसी प्रकार अगले आइटम को भी, ये 100 पैकेट है, इसमें से हम 60 पैकेट सेल कर रहे हैं। ऐसे ही अगला आइटम 50 पैकेट है, इसको हम लोग 20 पैकेट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप स्पेस करेंगे तभी ये लिस्ट ओपन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे, 150 पैकेट है, इसमें से हम 120 सेल करते हैं इसको, और रेट अपने आप आ जा रहा है क्योंकि आइटम क्रिएट करते समय हमने परचेज का और सेल का रेट वहां पे पहले ही दे दिया था। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अगला आइटम जो कि 200 पैकेट है, इसमें से 120 हमने सेलेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो आइटम है वो सेल हो गया। अगर आपको देखना है कि हमारे पास आइटम बचे कितने हुए हैं तो इसके लिए बैक आते हैं, बैक आने के लिए एस्केप की प्रेस करते हैं और यहाँ पीछे आकर के आपके सामने एक ऑप्शन हो रहा होगा स्टॉक समरी। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको दिखाएगा कि एल्कॉस का 110 पैकेट है और लेज का 140 पैकेट। ये जो है ये ग्रुप है जो हमने ग्रुप बना रखा था आइटम क्रिएट करते समय, जब आपको ग्रुप बताया गया था तो वही ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है। अब एल्कॉस पे जब आप एंटर मारेंगे तो दिखाएगा एल्कॉस बटर जो ब्लू डॉट पेन है वो 70 है, एल्कॉस मैजिक जेल जो पेन है ब्लू वो 40 है। इस प्रकार बैक आइए, अगले ग्रुप को सिलेक्ट करिए और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आइटम कितनी मात्रा में वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो उसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं
वो डे बाय डे है। अगर डे वन, डे टू, डे थ्री आपने नहीं देखा है और डायरेक्ट डे फाइव या डे सिक्स पे आ गए तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। टैली पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कोई स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए तो आशा करते हैं कि डे वन, डे टू, डे थ्री के बाद ही आपने डे फोर देखना शुरू किया है। अगर ऐसा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, वहां से आप डे वन, डे टू, डे थ्री देख करके फिर डे फोर पे आप वीडियो को देखिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। आई होप आपको टैली आसानी समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बोलिए वो वीडियो को जरूर देखें, वो भी शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।